नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग इंडिया पर। आज हम आपके लिए बिहार करेंट अफेयर्स एवं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं, जो कि बिहार SI और बिहार के सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार में शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी? बिहार में शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी? तो बिहार में शताब्दी एक्सप्रेस जो है 2002 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी ट्रेन बिहार से जाती है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ट्रेन है जो बिहार से होकर जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इस्पात एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस, ये सभी जो है बिहार से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिहार से किस क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती है? बिहार से किस क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती है? तो पश्चिम रेलवे, कौन सा? पश्चिम रेलवे जो है बिहार से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये हाजीपुर में, कहाँ पे है? हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 5, अन्य राज्यों की तुलना में रेल परिवहन के संबंध में बिहार किस स्थिति में है? अन्य राज्यों की तुलना में रेल परिवहन के संबंध में बिहार किस स्थिति में है? तो बिहार जो है पांचवें स्थिति में। कौन सी है? पांचवें स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5188 किलोमीटर। कितना है? 5188 किलोमीटर बिहार में कुल रेल मार्गों की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में रेल यातायात कब शुरू हुआ? आपको ये बताना है कि बिहार में रेल यातायात कब शुरू हुआ? तो 1860 से 62 में। कब? 1860 से 62 में बिहार में रेल यातायात शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण किसके पास है? बिहार में सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण जिला परिषद के पास होता है। किसके पास है? तो जिला परिषद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में वाराणसी से ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से शुरू हुआ? बिहार में वाराणसी से ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये कहाँ से शुरू हुआ? तो ये मोहनिया से हुआ है। कहाँ पे? मोहनिया से शुरू हुआ है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है बिहार में मोहनिया से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 2100 है। कितना है? 2100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये बिहार से नहीं जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे 15, यानी NH 15 जो है ये राजमार्ग बिहार से होकर नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो NH 31। क्या है? NH 31 जो है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है। वह NH है, तो NH का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बिहार से कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? बिहार से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सबसे प्रसिद्ध है? तो NH 2। कौन है? NH 2 है जो बिहार के लिए सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में गांधी सेतु कहाँ है? बिहार में गांधी सेतु कहाँ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
बिहार के सड़कों की लंबाई कितनी है? बिहार के सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 76,167 किलोमीटर। कितना है? 76,167 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बिहार का प्रसिद्ध बांध है, बिहार का प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो बधुआ बांध है। कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध बांध बधुआ बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में निम्नलिखित में कौन सा गोखुर झील का भाग है? बिहार में कौन सा गोखुर झील का भाग है? तो ये उपयुक्त सभी होगा, यानी सेमरी जंगल, जोगपति में सोन बरसा जंगल जो हरसिद्ध के लिए, और पिपरामन पिपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में झील और जिले का कौन सा मिलान गलत है? आपको ये बताना है बिहार में झील और जिले का कौन सा मिलान गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, और कवर झील जो है कि बेगूसराय में है, सरामन बेतिया ये भी बेतिया में है, और मोती झील मोतिहारी में, और ये ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिला और वहाँ के प्रसिद्ध खाने में कौन सा मिलान गलत है? आपको ये बताना है जिला और वहाँ के प्रसिद्ध खान में कौन सा मिलान गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी, बिहार की पूरी मुजफ्फरपुर में नहीं है। तो ये कहाँ पे है? तो बिहार की पूरी जो है भोजपुर में है। कहाँ पे? भोजपुर में है। और सुरकी धान चिबड़ा भागलपुर में है, सोहन पपड़ी बक्सर में है, खुरमा जो है वह उदवंत नगर में है, और ये बिहार की पूरी जो है ये भोजपुर में है। कहाँ पे है? ये मुजफ्फरपुर में नहीं है, ये भोजपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में लीची उत्पादन में कौन सा जिला सर्वप्रथम है? बिहार में लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर जो है सबसे आगे है। कौन सा है? लीची जो है प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये सबौर में है। कहाँ पे है? सबौर में। बिहार में फल विकास और अनुसंधान कहाँ है? तो ये सबौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में चावल विकास, बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? आरा भोजपुर में। कहाँ पे है? आरा भोजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? बिहार में ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाएं जो है 1486 है। कितनी है? 1486 शाखाएं हैं, और बिहार में 16 ग्रामीण बैंक है। कितनी है? 16 ग्रामीण बैंक है, और इसकी शाखा जो है 1486 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में विभाजन के बाद कितने ग्रामीण बैंक हैं? बिहार में विभाजन के बाद कुल 16 ग्रामीण बैंक है। कितने हैं? 16 ग्रामीण बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात क्या है? बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात कितना है? तो ये 70:30, यानी 70:30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको ये बताना है बिहार में मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार का राज्य वित्तीय निगम। कौन सा है? बिहार राज्य वित्तीय निगम। अब ये पता होना चाहिए कि बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना मैंने अभी बताया 1954 ईस्वी में। कब हुआ? 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में किस बैंक की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी? बिहार में किस बैंक की सबसे पहले स्थापना हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक का। किसका? इलाहाबाद बैंक के
जो है बिहार में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार किस धर्म का तीर्थ है? तो बिहार जो है उपयुक्त सही यानी जैन बौद्ध और सिख तीनों धर्म का तीर्थ है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।